हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सोजत रोड पुलिस ने वाल्मीकि समाज के रमेश के घर शादी में पहुंचकर भरा 51,000 का मायरा। पुलिस का मानवीय चेहरा देख रमेश के परिजन हुए गदगद। सोजत रोड पुलिस का मानवीय चेहरा देखने को मिला। थाना अधिकारी सीमा जाखड़ सहित पुलिस थाने में तैनात सभी कांस्टेबल एवं स्टाफ वाल्मीकि समाज के रमेश के घर पहुंचे, जहां उनकी पुत्री किरण की शादी हो रही थी। पुलिस ने अपने वेतन से 51,000 की राशि एकत्रित कर मायरा के रूप में रमेश व रमेश की पत्नी सुशीला को थमाई। इस दौरान रमेश के परिजनों का चेहरा खिल उठा। पुलिस का मानवीय चेहरा देखकर इस लॉकडाउन के समय में पुलिस ने इस तरह अपना दायित्व निभाकर एक नया चेहरा पेश किया। माना जा रहा है कि सोजत रोड पुलिस ये नई पहल कहीं ना कहीं समाज को नया आईना दिखाने और पुलिस और जनता के बीच सहयोग की बात को दर्शाता है। वहीं परिवार के लोगों ने भी पुलिस और थाना अधिकारी सीमा जाखड़ का आभार व्यक्त किया। जाखड़ ने बताया कि रमेश लंबे समय से थाने में सफाई का कार्य कर रहा है और वो हमारे परिवार के सदस्य की तरह हैं। जब इन्होंने आके बताया कि मेरी बच्ची की शादी है, तो हमने इनको यही कहा कि वैसे तो अभी कोरोना काल चल रहा है और हम शादियों में नहीं जा रहे हैं, लेकिन कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए हम आपकी बच्ची की शादी में अवश्य आएंगे। और हमारे स्टाफ की भावना थी कि हम रमेश जो हमारे रोज रात दिन हमारे साथ में कार्य करता है, उसके घर परिवार में जब ये शुभ कार्य है तो उसको जाके संबल देंगे। और इसीलिए आज हम लोग कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए रमेश जी के घर आए हैं और इनको बच्चे और बच्ची को आशीर्वाद दिया है। जागरूक टीवी की सोजत सिटी से नथाराम बोराना की रिपोर्ट।